ठीक है. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म. सो माय नेम इज़ प्रकृति, एज यू आर फैमिलियर विद मी, एज यू आर अटेंडिंग माय सेशंस एवरी डे. ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन. हमने पार्ट वन में पॉलीनोमियल्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया था कि प्रैक्टिकल के लाइक प्रैक्टिकली हमने समझा था कि हम इसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं. यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो रोलर कॉस्टर में हम कैसे पॉलीनोमियल्स को यूज़ करते हैं. वी हैव स्टडीड इन पार्ट वन. ठीक है, बहुत सारे इसके हमने एप्लीकेशंस भी डिस्कस किए थे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू कि रोलर कॉस्टर हर किसी को पसंद होता है राइड्स लेना, करेक्ट. बट उसका यूज़ उसको जब फॉर्मेशन होता है उसका कंस्ट्रक्शन तो हम कैसे यूज़ करते हैं वो हमने पॉलीनोमियल्स के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. अब हम इसमें थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करेंगे टॉपिक्स को. ठीक है, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग माई सेशंस. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो लेट्स बिगिन द सेशन. सी, हमने पहले पढ़ा पॉलीनोमियल क्या होता है, हमने टर्म्स के बेसिस पे उसको कैसे कैटेगराइज किया है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. ठीक है, फर्स्ट से देन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, करेक्ट. एंड डिग्री क्या होता है, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो की हाइएस्ट पावर. ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी. हाइएस्ट पावर, ओके. सो यू कैन सी हमने टर्म्स के बेसिस पे पढ़ा पॉलीनोमियल को, देन डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलीनोमियल को पढ़ा. ओके, तो ये तो था एक फेज. फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि पॉलीनोमियल में एक था ज़ीरो पॉलीनोमियल. ठीक है, ज़ीरो पॉलीनोमियल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ज़ीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, सिंपली ज़ीरो, जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है और यू कैन से डिग्री, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड. ठीक है, नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ज़ीरो के जिसके भी साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे इट विल बी ज़ीरो ऑलवेज. ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड लाइक चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. नंबर ऑफ ज़ीरोज और यू कैन से ज़ीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल. सी द टॉपिक इज ज़ीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल. अब यहाँ पे दो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ज़ीरो पॉलीनोमियल. ठीक है, एंड सेकेंड ज़ीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल. ओके, ज़ीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल. अब ये दोनों चीज़ें ना डिफरेंट है. ठीक है, सेम नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लेट इट बी वेरी इजी. ज़ीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, सिंपली ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो पॉलीनोमियल. बट ज़ीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल क्या होता है, ज़ीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल का मतलब है कि किसी भी पॉलीनोमियल का. ठीक है, ज़ीरोज फाइंड आउट मतलब रूट्स, एक तरीके से यू कैन से इट एज रूट्स. ओके, आप ज़ीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल को सिंपली बोल सकते हो कि किसी भी पॉलीनोमियल के जब आप रूट्स फाइंड आउट करते हो. ठीक है, कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हो, फैक्टराइजेशन करके. फैक्टराइजेशन मेथड सबको पता है क्या होता है. ठीक है, अगर नहीं भी पता तो हम डिस्कस करेंगे. तो रूट्स फाइंड आउट करना किसी भी पॉलीनोमियल के, या एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स की हम बात करते हैं जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे पॉलीनोमियल क्या बन जाता है, ज़ीरो. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल. मतलब पॉलीनोमियल अगर ज़ीरो के इक्वेट हो जाता है जिन पॉइंट्स की वजह से, उनको बोलते हैं, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, ज़ीरोज. किसी भी पॉलीनोमियल के ज़ीरोज या किसी भी पॉलीनोमियल के रूट्स जिसकी वजह से पॉलीनोमियल ज़ीरो बन जाता है पूरा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि ज़ीरो पॉलीनोमियल अलग होता है और ज़ीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल अलग होता है. किसी पॉलीनोमियल के ज़ीरोज फाइंड आउट करना मतलब उसके रूट्स, मतलब ऐसे पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पे वो पॉलीनोमियल ज़ीरो बन जाता है. ठीक है, और ज़ीरो पॉलीनोमियल तो होता ही ज़ीरो है. ठीक है, जिसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट इज नंबर ऑफ ज़ीरोज ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल. अब लीनियर पॉलीनोमियल में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज होंगे. सबसे पहले लीनियर पॉलीनोमियल मैं आपको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है या फिर कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप फिर से वीडियो को रिकॉल करें. ठीक है,
सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलीनोमियल में कितने जीरोज़ होते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री वेरिएबल का डिग्री 1 होता है, ठीक है। लेट्स से 4x-9, ठीक है, ये क्या हुआ, लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल। अब इस लीनियर पॉलीनोमियल की हम बात करें तो इसका जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस वन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये x क्या है वेरिएबल, a क्या है इसका कोफिशियंट और b क्या है कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेरी सिंपल। सो अभी इसका ये क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर, दिस इज योर जनरल स्ट्रक्चर, अब ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ax प्लस बी जो दिया हमने लीनियर पॉलीनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम a की वैल्यूज भी पुट करेंगे, ठीक है, सी ए का वैल्यू भी यहाँ हम पुट करेंगे एंड देन बी का वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें ए एक्स प्लस बी आपको गिवन है, तो हम यहाँ पर ए का वैल्यू भी पुट करेंगे और बी का भी, जिससे हमारा फॉर्मेशन इस तरीके से आएगा, ठीक है। लाइक मैंने ए ले लिया 4x और बी ले लिया 7, तो लीनियर पॉलीनोमियल बन गया, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते रहेंगे, ठीक है, ये ए एक्स प्लस बी इसका क्या होगा, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल टर्म में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर ए एक्स प्लस बी, अब ये जो ए एक्स प्लस बी है ये एक लीनियर पॉलीनोमियल है, इसमें कितने जीरोज होंगे, इसके रूट्स कितने बनेंगे, ठीक है, वो चेक करते हैं, ए एक्स प्लस बी। अब जब बात करते हैं रूट्स की, डायरेक्ट तरीका क्या है, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी क्या है यहाँ पे देखो, कॉन्स्टेंट, लाइक सिंपली हम बात करें, यहाँ पे हमने लिखा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अब ये देखो बी जो यहाँ पे है, नॉर्मली हम क्या बात करें, कॉन्स्टेंट की, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट टर्म आपका यहाँ पे आ गया। फिर सेकेंड हम बात करते हैं कि ए यहाँ पे क्या है, कोफिशियंट, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ओके, दिस इज लाइक कोफिशियंट ऑफ एक्स, सो ये क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, क्लियर है। सो सिंपली हम इसको पढ़ेंगे कि माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इस, जब हम लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोस की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही रूट बनता है, ठीक है, कि देखो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिला था, माइनस बी अपोन ए, तो माइनस बी अपोन ए मैंने पुट किया, ठीक है, प्लस बी, ये कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो एक्स का वैल्यू आया था, उस वैल्यू की वजह से ये पूरा पॉलीनोमियल ज़ीरो बन गया, दैट मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये रूट होगा इस पॉलीनोमियल का, माइनस बी अपॉन ए इसका रूट होगा, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से, इस वैल्यू की वजह से ये पूरा पॉलीनोमियल ज़ीरो बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलीनोमियल, याद रखना है लीनियर पॉलीनोमियल में हमेशा एक ही आपका रूट बनता है, और यू कैन से एक ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोज जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम हेयर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलीनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0, गॉट इट। अब हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है, सी 3x plus 4, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका आपको ज़ीरोज फाइंड आउट करना है, ठीक है, ज़ीरोज कैसे फाइंड आउट करोगे, यू नो वेरी वेल, सिंपली इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, माइनस फोर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू माइनस फोर अपॉन थ्री आया है। अब आप चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, सी 3x, एक्स की जगह पे माइनस फोर अपॉन थ्री पुट करेंगे, देन प्लस 4,
ये कैंसिल, माइनस फोर प्लस फोर, ये भी ज़ीरो. यस, तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बन गया है. किसकी वजह से? इस स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से, स्पेसिफिक वैल्यू की वजह से. ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा? माइनस फोर अपॉन थ्री, माइनस फोर अपॉन थ्री. ठीक है, वेरी सिंपल. और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स. सिंपली माइनस, हम फिर से इसको समझते हैं. डायरेक्ट आप करना चाहते हो कि इसका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने, तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक्स यूज होगा, अपॉन कॉन्स्टेंट, लाइक यू कैन से सी हियर. ठीक है, सो सिंपली हम इसको यूज करेंगे, 3x हमने यहाँ यूज किया, 3x प्लस 4, करेक्ट. सो यहाँ से क्या आया आपका? कॉन्स्टेंट टर्म एंड देन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. क्लियर है? इट इज़ वेरी सिंपल. अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री 2 आता है. ठीक है, डिग्री इज 2. ठीक है, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2. अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? सिंपली आपको याद रखना है कि अगर 2 डिग्री है तो उसके रूट्स कभी भी 2 से एक्सीड नहीं करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 रूट्स मिलेंगे अगर क्वाड्रेटिक है. हो सकता है किसी केस में 1 भी मिल रहा है, किसी केस में 1 भी रूट नहीं है. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से, कि ऐसा केस कब बनता है कि जब 1 भी आपका 0 नहीं बन रहा है. ठीक है, या सिर्फ 1 0 बन रहा है, और यू कैन से 2 0s आ रहे हैं. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपको मैंने तरीका समझा दिया है कि पॉलिनोमियल के जब जीरोज फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या तरीका यूज करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4. क्लियर है? अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है जीरोज. ठीक है, जीरोज कैसे फाइंड आउट करोगे? सी, इक्वेट कर दोगे जीरो के इक्वल. ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है तो सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है, फिर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4. दिस इज नॉट रियल, दिस इज इमेजिनरी. ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में रूट नहीं है. ठीक है, ये केस क्लियर हो गया. निल मतलब नो रूट्स, नो जीरोस. ओके, सो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर. करेक्ट, लेकिन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर. अब इस केस में क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको इक्वल पुट करोगे जीरो के, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. करेक्ट, अब ऐसा आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जिस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है. अगर 1 पुट कर रहे हो तो 1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो. क्लियर है? 2 पुट कर रहे हो, 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये 4 हो जाएगा. सिमिलरली आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे 0 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा. अब सिंपली आप देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ 0, आप 0 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर, वो हमेशा 0 ही रहता है. और ये पॉलिनोमियल 0 बन गया. इट मीन्स कि इसका सिर्फ एक रूट है, एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक रूट है. मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना है इसमें? 1. नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 1. और वो क्या है? 0. इस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है. ठीक है, ये भी क्लियर है, वेरी सिंपल. अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x. ठीक है, और यू कैन से माइनस 4. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू. ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करो.
ठीक है, फैक्टराइज कैसे करते हैं? सबसे सिंपल, पहले एक्स स्क्वायर, देन माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हमने इसका किया। अब इसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दो दो का पेयर कर लेंगे, ठीक है, तो एक्स एक्स माइनस टू, ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस टू, अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, ये वाला एक साथ हो जाएगा एक्स माइनस टू, एंड देन ये दोनों कॉमन है, सेम है, तो एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली ये वाला भी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, टू, और यहाँ से भी एक्स का वैल्यू टू। दैट मीन्स कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हुए, या यू कैन से नंबर ऑफ ज़ीरोज कितने हैं, टू। क्वाड्रेटिक में हमेशा नंबर ऑफ ज़ीरोज टू या वन, और यू कैन से नो, बट टू से एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर ऑफ ज़ीरोज क्या क्या हो गए, सेम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू एंड टू, बिकॉज हमने क्वेश्चन में देखा। अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर, अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम कोई भी एक पुट कर सकते हैं, टू पुट करो यहाँ पे, टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू माइनस फोर, ये क्या होगा, टू टू ज़ा फोर माइनस एट माइनस फोर, ठीक है। अब सिंपल इसमें एक तरीका देखते हैं हम, क्लियर कट, कि जब भी हम नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक के केस में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि या तो एक भी नहीं आ रहा है रूट, या फिर दो आ रहे हैं, या फिर एक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक के केस में नंबर ऑफ जीरोज़ या तो एक भी नहीं होगा, ठीक है, या फिर एक होगा, या फिर दो होंगे, मैक्सिमम टू, क्वाड्रेटिक के केस में मैक्सिमम टू आएगा नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल जो है ये 4u square minus 8u, this is your homework, ये आपको solve करना है, and you have to give the answer of this question in comment section, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें number of roots कितने बन रहे हैं, कि एक भी नहीं बन रहा है, या एक बन रहा है, या फिर दो, और जो बन रहे हैं roots उनकी value क्या क्या है, ठीक है। That means question is 4u square plus 8u, ठीक है, ये question है, आपको सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें नंबर ऑफ रूट्स, और यू कैन से नंबर ऑफ ज़ीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज कितने बन रहे हैं, और उनका वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर एक बन रहा है तो उसका क्या वैल्यू है, दो बन रहा है तो उसका क्या वैल्यू, या फिर निल, एक भी नहीं बन रहा, ठीक है, क्लियर है। आई होप आप सब कुछ नोट डाउन कर रहे हो साथ के साथ, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको रिविजन करने में हेल्प होगा, ठीक है, लाइक क्विक रिविजन नोट्स के फॉर्म में आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, अब क्यूबिक आ गया है, ठीक है, सिंपल लीनियर के केस में क्या चल रहा था, वन, ठीक है, डिग्री वन आ रहा था, देन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के केस में डिग्री क्या था, टू, क्यूबिक के केस में डिग्री क्या होगा, डिग्री इज थ्री, क्यूबिक, क्यूब, ठीक है, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, और यू कैन से डिग्री, वो क्या होगा, थ्री होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर, हम इसका इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, ए एक्स क्यूब, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये जनरल स्ट्रक्चर है, जैसे सिंपल हमने लीनियर में पढ़ा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब क्यूबिक में क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब आपको ए का वैल्यू पुट करना है, देन बी का, देन सी का, देन डी का, तो आपका एक स्ट्रक्चर
फॉर्मुलेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें देखना क्या है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 3 होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, ठीक है। तो अब सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। हमें चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, ठीक है। जैसे लीनियर के केस में क्या बना था, एक, क्वाड्रेटिक के केस में निल, वन और टू, ठीक है। अब क्यूबिक के केस में क्या होगा, या तो वन या टू या फिर थ्री। क्यूबिक है तो इसके जीरोस थ्री से एक्सीड नहीं करेंगे, जितना डिग्री होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस और यू कैन से नंबर ऑफ रूट्स बनते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं बनते, ठीक है। ये आपका अगर आंसर बाय चांस क्या हो रहा है कि क्यूबिक पॉलीनोमियल के केस में आपके फोर जीरोस आ रहे हैं और यू कैन से फोर रूट्स आ रहे हैं, तो क्या होगा कि इसका मतलब आपका आंसर गलत है। बिकॉज क्यूबिक पॉलीनोमियल के केस में जब डिग्री थ्री है तो उससे एक्सीड नहीं कर सकते रूट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जीरोस के साथ साथ आपको रूट्स इसलिए बोल रही हूँ बार बार ताकि आपको लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे कि जीरोस क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं रूट्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है, ये पॉलीनोमियल आपको गिवन है, ओके क्लियर है। अब एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स क्यू माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब x, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, मतलब हम इस पर ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सेम बात होगी, यहाँ पे 2 है, ओके 2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, सेम स्ट्रक्चर आपका बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यू कैन से ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स का वैल्यूज फाइंड आउट करो, ये वाला तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0, और ये सेकेंड वाला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, एंड थर्ड वन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ रूट्स और यू कैन से नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने बने, 3, एक तो 0 देन 2 देन माइनस 2, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था ना कि वहाँ पे डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ। लेट से आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, लेट से कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, 2x प्लस 3, ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब आपसे अगर डायरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आप बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने बन रहे हैं, ठीक है, सिंपली लीनियर के केस में कितना बनेगा, एग्जैक्टली 1, ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर आपको ग्राफ गिवन है इस तरीके से और वहाँ पर डायग्राम बन रहा है दिस वन, ठीक है, मतलब आप यहाँ देख सकते हो ये 3 पॉइंट पे कट करा है, ये फिर ये और फिर ये, मतलब 3 नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ जीरोस, मतलब 3 पॉइंट पे वो कट करा है, मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 2 पॉइंट्स पे कट करता तो क्या होता, इस तरीके से अगर जाता ग्राफ आपका, सी दिस वन, ये ग्राफ है, और अगर ये 2 पॉइंट पे कट करता कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो क्या होता ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो लीनियर, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक, और 3 पॉइंट्स पे अगर कट करता है तो क्यूबिक होता है, ठीक है। सो ये था कुछ और हमने टॉपिक्स पढ़े पॉलीनोमियल के, ठीक है, ये पार्ट 2 में हमने थोड़ा सा पार्ट 1 को एक्सीड किया है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन
एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन, ओके? एंड डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड कमेंट सेक्शन में आपको बताना है उसका आंसर क्या होगा. सो बाय गाइज एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो.